इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। कुछ महीने पहले भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था। शाहपुरा से लाला राम बैरवा को टिकट दिया गया है। कैलाश मेघवाल शाहपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल की बीजेपी ने छुट्टी कर दी है। बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ गंभीर बयानबाजी के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को शाहपुरा विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर अब मेघवाल ने शाहपुरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 नवंबर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। कुछ महीने पहले भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था। शाहपुरा से लाला राम बैरवा को टिकट दिया गया है। कैलाश मेघवाल शाहपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल की बीजेपी ने छुट्टी कर दी है। बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ गंभीर बयानबाजी के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को शाहपुरा विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर अब मेघवाल ने शाहपुरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 नवंबर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने की बात कही है।